का घुसा गया, कैरोसिन शब्द का मतलब है बेरोजगारी। जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है असल में चोर वही। पहले से सवाल आ रहे हैं, चोरे पता चल रहा है या ईडी का कोई अधिकारी जो है? अग्निवीर कहकर आप अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, आग में झोंकने का काम। अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, देश चलता हो चले। मोदी जी तो कहते हैं कि नौजवानों को नाले की गैस से पकौड़े कर। भाजपा सरकार देश को गुमराह करना चाहती है, होता ये कि योजना सरकार लाती है और दूसरे विभागों को लागू करता है। ये बताना चाह रहे हैं, ये जो सेना भर्ती योजना अग्नि भर्ती किसाना लेकर आ रही है, केंद्र को लागू करना पड़ रहा है, ये गुमराह कर रही है। आज देश भर का करोड़ों युवा जो माँ भारती की सेना में सेवा में जाना चाहता था, भर्ती पक्की खत्म कर दी गई है, नई योजना ला दी गई ठेके पर, 4 साल बाद रिटायर होकर कहाँ जाएंगे? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं अग्निवीर भाजपा के मुख्यालय जो देश भर में नोटबंदी के बाद 500 खुले उनके बाहर चौकीदारी करेंगे, भारत माँ भारत के लिए सलामी देते थे, अभी भाजपा संघियों को सलामी देंगे इनके दरवाजों में खड़े होकर। देश के गृह राज्य मंत्री मिस्टर रेड्डी कहते हैं नाई की भर्ती होगी, हलवाई की भर्ती होगी, टेलर की भर्ती होगी, मोची की भर्ती होगी, ड्राइवर की भर्ती होगी। अरे वो भर्तियाँ तो पहले भी हो रही थी, वो काम सम्मान का था, पर सेना की भर्ती के आड़ में आप पूंजीपतियों का नाम लिया गया, अंबानी, अदानी, टाटा, महिंद्रा ने भी कहा है हम इन अग्निवीरों को अपने उद्योगों में लगाएंगे, तो आज क्यों नहीं लगा रहे? करोड़ों युवा बेरोजगार है। राहुल जी ने कहा सही, जिस देश में कैरोसिन छिड़क दिया गया, कैरोसिन शब्द का मतलब है बेरोजगारी, महंगाई, वित्तीय अर्थव्यवस्था गिरता रुपया, देश में धार्मिक उन्माद, ये है कैरोसिन। ना देख रहे हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी भी समय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है, सोनिया गांधी जी अस्पताल से लेकर लिखती है शांति की अपील करती है और ये विश्वास दिलाती है जब तक ये वापस नहीं होगी योजना हम खड़े रहे। अब हम केंद्र की सरकार को साफ कह रहे हैं, तुरंत इस योजना को वापस लीजिए, संवाद स्थापित कीजिए, पार्लियामेंट की डिफेंस में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाइए, पार्लियामेंट बुलाइए, चर्चा करिए, लोगों को लाभ बताइए, समझ आए लागू कर दीजिएगा। पर तानाशाही तरीकों से आप हर बार थोपते आए हैं, कृषि कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, सीए का तो नियम ही नहीं आया, ये आपसे खेलना है और ये हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रमुख ने साफ कह दिया कि ये वापस नहीं होगा। देखिए ये फैसला प्रधानमंत्री जी का सरकार का है, प्रधानमंत्री जी अभी तक आगे क्यों नहीं? 5वां दिन है, देश जल रहा, युवा क्रोशित है, प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़कर ये बात एक बार आके कह दें कि ये अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, देश चलता हो चले, एक बार प्रधानमंत्री जी मुंह तो खोलिए। सेना की आड़ में देश के प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, सेना प्रमुखों से ये बात कहवाई जा रही है। आज से पहले इतिहास में 75 साल में आपने कभी देखा है कि तीन सेना के प्रमुख सरकार के प्रवक्ता बनकर बोल रहे हो? कि आज से पहले मर गई है सरकार, मर गए उसके मंत्री, मर गए भाजपा के प्रवक्ता जो ईडी पर हर मुद्दे पर कृषि आंदोलन में भी आकर बोलते थे, आज क्यों नहीं बोलते? आज क्यों सेना को हथियार बनाया जा रहा है? सेना को राजनीति में मत घसीटिए, कभी भी नहीं ऐसा हुआ, सेना हमेशा इस देश की सर्वोपरि रही है, लेकिन राजनीति के दलदल में भाजपा ने घसीट लिया। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के मंत्री तो फायदे गिनाने में बिजी है, फायदे 5 दिन हो गए, फायदे गिना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक प्रेस वार्ता करके जो युवाओं के ज्वलंत सवाल है कि मैं 17.5 साल में भर्ती हूँ, 21 में रिटायर हूँ, जो ना मेरी पेंशन नहीं है, मुझे आप पूंजीपति मित्रों के दरबार पे, भाजपा के मुख्यालयों के दरबार पे कोई सवाल पूछ रहा है ना, उसके जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी आज मुझे लगता है आग शांत हो जाएगी। आपको लगता है प्रधानमंत्री जी को भी पता है आग उनकी लगाई हुई है, उसको शांत नहीं करेगी? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का मनाची तो वो बाहर आ रही है, इसलिए देखिए ईडी की पूछताछ में बंद कमरे में कौन है? हमारे नेता राहुल गांधी है और ईडी के अधिकारी, ईडी क्या पूछ रही है हमें? राहुल गांधी जी बता रहे हैं चिंता मत करिए, हर सवाल का जवाब दूंगा, तब तक जवाब दूंगा जब तक वो चाहेंगे। लेकिन भाजपा को कौन बता रहा है? भाजपा मुख्यालय कौन जा रहा है? राहुल गांधी जी तो नहीं जा रहे, कांग्रेस मुख्यालय हलवा के हमें बता रहे हैं। तो यकीन है कि भाजपा मुख्यालय से सवाल आ रहे हैं, जो उन्हें पता चल रहा है, या ईडी का कोई अधिकारी जो है लालच में आकर, एक और अधिकारी ईडी के थे ना, इस्तीफा दिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, भाजपा की टिकट पर सच है या नहीं, चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश विधायक और मंत्री बन गए, तो या तो ईडी का कोई अधिकारी मिला हुआ है उनके हाथ पर उसके इशारों में खेल रहे, और या फिर सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो भाजपा मुख्यालय से, इसलिए उन्हें जाने में फायदा है। फायदा नहीं बता रही है, अपनी जेब मिटाने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है नौजवानों के। जैसा कि मैंने आज अपने भाषण में भी कहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अग्निपद घोषणा होते ही जिस तरह से जो पूरी हिंदी बेल्ट है हमारे देश की, जहाँ से सबसे ज्यादा सेना में भर्तियां होती हैं, वहाँ से आक्रोश का गुबार फूटा है, तो मैं समझती हूँ कि वो तो बहते हुए पानी की तरह साफ है। आप किसानों के लिए कानून बनाते, कहते हैं हमने किसानों के लिए फायदा किया, और एक साल तक किसान उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। आप कहते हैं नोटबंदी और जीएसटी में हमने देश का फायदा किया, और आप केवल नोटबंदी में 50 दिन में 60 परिवर्तन करते हैं, जब जीएसटी की बात आती है तो आप 10 महीने में 376 परिवर्तन करते हैं। ना आप अर्थशास्त्रियों की सुनते हैं,
ना आप विपक्ष की सुनते हैं, ना आप किसी भी एक्सपर्ट की सुनते हैं, ना आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाते हैं, ना आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। आपने लोकतंत्र को मोदी जी ने एक तानाशाही व्यवस्था में परिवर्तित करने का फैसला कर लिया है, और यही कारण है कि चाहे विपक्ष की मजबूत आवाज़ राहुल गांधी जिस तरह से महंगाई पर सवाल पूछते हैं, किसान आज 27 रुपया क्यों कमा रहा है ये पूछते हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा करके 12 करोड़ नौकरियां चली गई ऐसा क्यों हुआ ये पूछते हैं, चीन की घुसपैठ लगातार क्यों बनती जा रही है ये पूछते हैं, तो आज राहुल गांधी से डर कर आप ईडी बिना FIR दिखाए, बिना शेड्यूल्ड ऑफेंस बताए आप ईडी से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो आप यहाँ हुजूम देख रहे हैं जनता का, कांग्रेस के संघर्ष के साथियों का, कांग्रेस पार्टी इस तरीके के दमन से डरने वाली नहीं है। चाहे सैनिकों को उनका हक दिलाने की बात हो, और ज़रूरी है ये बात, क्योंकि तन समर्पित मन समर्पित के भाव से सैनिक देश में आता है, सेना में भर्ती होता है नौजवान, और वो ये मानता है, वो कहता है कि मैं सर्वोच्च बलिदान दूंगा। आपने कहा था 1 rank 1 pension, आज वो 9 rank 9 pension हो गया है। अग्निवीर कहकर आप अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक डिस्चार्ज पैकेज नहीं देंगे, आप फ्री मेडिकल फ्री कैंटीन की सुविधा नहीं देंगे, आप नाम नमक निशान से वंचित कर देंगे, और आपने कह दिया up to 25%, यानी 25 भी होगा कि नहीं वो मालूम नहीं। तो मोदी जी तो कहते हैं कि नौजवानों को नाले की गैस से पकौड़े तलने चाहिए, किसान कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अग्निवीरों को भाजपा दफ्तर के बाहर चपरासी बनना चाहिए। तो ये दिन ब दिन जो गिरावट होती जा रही है और कहीं ना कहीं जनता का दमन हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी तो पिछले 4 दिनों से लगातार ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि पीएमएलए के अंतर्गत अगर FIR लॉन्च नहीं है तो ईडी का जुरिसडिक्शन नहीं बनता, आप FIR लॉन्च करिए। और मैं कह रही हूँ FIR सार्वजनिक की जाए। सेक्शन 66 पीएमएलए का कहता है कि आप सिलेक्टिव लीकेज नहीं कर सकते। क्यों ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कोऑपरेटिव नहीं है? सूत्र कौन से सूत्र हैं? ईडी और राहुल गांधी को पता है क्या बात हो रही है? अगर एक नकारात्मक छवि बनाने के लिए लीक किया जा रहा है तो आप कैमरा लगाइए, आप पारदर्शिता से पूरी जनता को दिखाइए कि क्या सवाल पूछ रहे हैं और क्या जवाब दिए जा रहे हैं। पर वो कहते हैं ना कि जिसके मन में मैल होता है, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, असल में चोर वही होता है। तो इसीलिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कि राहुल गांधी डर जाएं, मैंने आज कहा कि कांग्रेसियों के खून में बहुत लोहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम सड़क से संसद तक करेंगे। जैसे ही अग्निपथ की घोषणा होती है स्वतः एक आक्रोश उमड़ता हुआ दिखाई देता है। हम ये कह रहे हैं कि आप इसमें सुधार करिए। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको फ्री मेडिकल फ्री कैंटीन की सुविधा देनी है तो इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? अब कल ये कह दिया गया कि पुरानी सारे एग्जाम निरस्त किए जा रहे हैं, तपती धूप में बिना पाँव में जूता पहने आप किसी हाईवे से निकल के देखिए देश के लगातार ये नौजवान, इनके पास पेट में खाना नहीं होगा लेकिन ये दौड़ेंगे क्योंकि एक सेना के प्रति समर्पण है, अपना सेना में भविष्य देखते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीने की बात करते, पर अगर धड़कता हुआ दिल होता ना मोदी जी के पास तो इन नौजवानों के सपनों को चकनाचूर नहीं करते। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस तरह से अपनी बात जनता के मन पे, नौजवानों के मन पे मत थोपिए, इसमें सुधार लाइए। पर आप विपक्ष से बात नहीं करेंगे, आप संसद की समिति नहीं बुलाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? हाँ, AK एंटनी जी ने 2013 में ये प्रोविजन लाया था कि 10% रिटेन किया जाए जो सेवानिवृत्त होते हैं। देश में 55,000 सेवानिवृत्त होते हैं सैनिक हर साल में, और जो रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट है वो कहती है 2-3% को नौकरी मिलती है। अभी खट्टर जी ने कहा हम नौकरी देंगे हरियाणा सरकार में। खट्टर जी ने 2019 से 2021 तक 834 नौकरियां दी केवल। तो ये किस तरह का मजाक है? आप लगातार बेवकूफ बनाने का काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपका भंडाफोड़ करती रहेगी। ये जनता को मानना है, जनता और उन नौजवानों को मानना है जो नौजवान भर्ती के लिए इतने सालों से तैयारी करके परीक्षा पास किए हुए बैठे हुए। अगर एक मिनट रुक जाइए, अगर वो नौजवान इस पूरी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई भी आकर बोले, आप प्रक्रिया किसके जिसके लिए बना रहे हैं उसके लिए, उसकी तो बात सुनेंगे ना। यही कांग्रेस पार्टी का दावा है। और मान लीजिए आज आपने सेना के तीनों प्रमुखों को बिठा दिया, कल को अगर आपको नौजवानों की बात लेकर वापस करना पड़ेगा तो अपमान किसका होगा? सेना का होगा ना। आप बिना कोई नियम बनाए कह रहे हैं 75-80% लोगों को डंप कर देंगे। क्या नियम बनाए हैं आपने डंप करने के, बताया है? आज ये पूरे देश में सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये संघ की विचारधारा का इन्फिल्ट्रेशन सेना में करना चाहते हैं। अगर देश को पाकिस्तान बनाना चाहेगी मोदी सरकार, अगर सेना का राजनीतिकरण करना चाहेगी सरकार, तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। सरकार वापस तो नहीं होगा? वो तो काले कानून के लिए भी कह रहे थे वापस नहीं होगा, हुआ ना। वो तो भूमि अधिग्रहण बिल के लिए भी कह रहे थे वापस नहीं होगा, घुटने टेकने पड़े ना। तब भी प्रचंड बहुमत था, आज भी प्रचंड बहुमत है। जनता की मर्जी को बुलडोज करके भारत में कोई सरकार न चली है न चल पाई।